चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 203 दिख रहा है क्या? क्या दिया जरा देखते हैं क्वेश्चन में। राम माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली। मतलब देर आर 3 पार्टनर्स राम माधव और केशव। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। यानी आपको बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, अनपेड रेंट, कैपिटल अकाउंट, एसेट में जो गुडविल, लूज टूल्स, डेटर्स, लाइव स्टॉक एंड कैश। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018। मतलब केशव भैया की हो गई है डेथ। ठीक है सर, अभी केशव की डेथ कितने महीने बाद हुई है जरा बताओ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा 4 महीना जिंदा रहने के बाद वो स्वर्ग की तरफ पधार गए। नरक भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है उनके कर्म कैसे थे। तुमको तुमने कभी सुना है क्या स्वर्ग लोग होता है, एक पाताल लोग होता है, एक नरक लोग होता है, सुना है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, जो भुगतना है इधर ही भुगतना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पाताल लोक वाला दुख है ना, यहाँ ही मिलेगा, और ये दुख कहाँ खत्म नहीं होता यही पूछोगे लास्ट में इमोजी लगा के। सर जो पढ़ के क्या वो आया नहीं, बोले सर ये दुख कहाँ खत्म नहीं हो रहा है। हे देवी तनिक आराम से बैठ जाना देवी, लेट आने की आदत सुधरेगी नहीं। सच में ऐसा नहीं कहा गया है, गीता में भी बार बार कहा गया है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल दीन चाखा। या फिर तुम कोई भी हिंदू ग्रंथ उठा लो, मुस्लिम ग्रंथ उठा लो, सिख ग्रंथ उठा लो, दुनिया के किसी भी होली बुक को उठा लो, पवित्र किताब को उठा लो, सब में एक ही लाइन बोला है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और उसी को उसका कर्म यहाँ ही भुगत के जाना है, कहीं और लेके जाना नहीं है। मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं हूँ पापी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018। तो भाई साहब केशव की डेथ 4 महीने बाद हो गई है, यानी जो भी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, जितना भी कैलकुलेशन होगा वो सब 4 महीने के हिसाब से होगा। ठीक है, नाउ क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो गई सर? 10,000 से बढ़ गई। ओके, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। 5 साल का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना क्या माना जाएगा? गुडविल। सिंपल है, प्रॉफिट फॉर द प्रोसीडिंग 5 years वॉज। 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है जिसमें से 2013-14 का प्रॉफिट कितना है? 90,000, 1 lakh, 60,000, 50,000, 50,000 and 50,000 loss. Keshav share in it was to be given to him. Keshav को उसका हिस्सा दे दिया गया है। ठीक है, loose tools and livestock were valued at 80,000 and 1,20,000 respectively. Loose tools और stock की नई value आपको दी है। RDD was maintained at the rate of 10,000 rupees. वो भी आपको ready करके दिया है। कमीशन 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव, फुल स्टॉप। प्रॉफिट फॉर 18-19 वॉज एस्टिमेटेड एट 45,000 एंड केशव शेयर इन अप टू द डेट ऑफ द डेट गिवन टू हिम। यानी वहां पर आपको क्या दिया गया? सिंपल सी बात है कि वहां पर आपको प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ बोला, मतलब वो PNL सस्पेंस का है। क्लियर है क्या? और कुछ बोला है क्या? नहीं सर, पीछे देखो क्या बोला है।
प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट, केशव कैपिटल अकाउंट, शो द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर। चलो ध्यान देते, सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं कहा गया है, इसका मतलब अपने को बैलेंस शीट नहीं बनाना है, बट जो भी इंक्रीज और डिक्रीज है उसको करना तो पड़ेगा, तभी आपका क्या बनेगा, रिवैल्युएशन बनेगा। समझ में आ रही बात? ओके, सबसे पहला क्या बोलता है सर, क्रेडिटर हैव इंक्रीज बाय 10,000, है ना, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर कहाँ था बेटा, असेट में, किधर आता बेटा, असेट में, हाँ लाइबिलिटी, अच्छा लाइबिलिटी में आता है, ओके ठीक है ठीक। अब इंक्रीज हो गया, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गया, तो आपके लिए लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया, पक्का लॉस हो गया, कौन बोला तुमको, लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है तो क्रेडिट में आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। चलो जी, इसमें से 70% लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 30% अभी भी निर्जीव है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है प्रॉफिट आज लॉस है, कौन सा अपने को चैप्टर सीखने का। मैं तो 12वीं में पप्पा को बोला था, पप्पा बोले थे 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, ये नहीं बोलता पप्पा ने पास चाहिए कि फेल चाहिए, मैं तो आ गया 12वीं में, एग्जाम देने जाऊंगा, पूरा साल मेहनत करके जाऊंगा फेल होने के लिए। हमेशा कहते हैं कि पास होने से ज्यादा मेहनत किधर लगती है, क्योंकि उसमें आपको एक साल देना पड़ता है, उतने में अगर 10% भी मेहनत कर ले तो पास हो जाएगा, करना थोड़ी ना। अभी इसमें से दिख रहा पीछे दो चार लोग है जिनके यहाँ टेक्स्ट बुक भी नहीं दिख रही है, बहुत वजन होती है। मैं रुक जाओ, महाराष्ट्र बोर्ड फोन करके बोलता हूँ, आधी आधी लाया, देखो सब आधी आधी लेगा भाई साहब, हाँ क्या बात है बेटा, कभी आधा आधा कभी ज्यादा ज्यादा ले लेने का, लेकिन लेने का जरूर। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती तो अपने लिए क्या है सर, लॉस, लॉस है तो किधर आएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड में जाने का, लिखने का टू क्रेडिटर्स, अपने को बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, इस वजह से सीधा सिर्फ एक ही इफेक्ट आएगा इसका, समझा, वरना हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, क्रेडिटर में प्लस करते एंड ऑल, क्लियर है क्या। नेक्स्ट आ जाओ, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट टू इयर्स ऑफ द परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो दो साल परचेस के एवरेज प्रॉफिट का दो गुना अपने को गुडविल निकालना है, तो कैलकुलेट दैट गुडविल, अपने को सबसे पहले क्या करना है सर, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यस और नो, सबसे पहला टोटल प्रॉफिट चेक कर, अपने को 5 साल का प्रॉफिट दिया बेटा, प्रॉफिट को प्लस कर लॉस को माइनस, चेक कर 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000, सब माइनस का है कि ये हो लॉस था, तो बेटा 50-50 कैंसिल हो गया, 900 कितना हो गया बेटा, बेटा जहर खा ले, 3 लाख कैसे आए रहे, 3,50,000 आएगा, फिर माइनस करके 3 लाख, करके देख, 50 पहले ही करने ही, नहीं उनके हिसाब से 3,50,000 आएगा बेटा, करके देख, और 90 में 10 दे दे, 2,50,000, अब कैसे आ गए तेरा, जब मैं बोल रहा था तब तो मान नहीं रही थी, ये लड़की ऐसी होती है झगड़ा करने के लिए रेडी, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं लड़कियां इस दुनिया में दो ही कामों के लिए बनी है, एक झगड़ा करने के लिए, एक रोने के लिए, अगर वो जीत गई
अगर वो हार गई है ना तो झगड़ा करेगी, और अगर जीत गई तो खुशी में भी रोएगी गम में भी रोएगी, और बोलेगी मैं फ्रेयर लवली लगाती हूँ, सॉरी 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 सॉरी, ग्लो एंड लवली, हाँ HD ग्लो। चलो आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में लिखा गया था कि 70% ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स में जो महिला है ना वो ग्लो एंड लवली का इस्तेमाल करती है, ठीक है, बट 30% बताना नहीं चाहती कि हम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसका कोई फायदा नहीं है। महिला ये तो लॉजिक क्या हुआ इसका इस्तेमाल करने का, उसको वो एक्चुअली वो क्या आर्टिकल था डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में, कि हाउ बिग फर्म्स लाइक बड़े बड़े कंपनियां किस तरीके से कंज्यूमर्स को धोखा देती है, और भी एज अ कंज्यूमर हमको पता है वो हमको धोखा दे रहा है, लेकिन हम धोखा लेने के लिए रेडी रहते हैं। तुमको भी पता है ग्लो एंड लवली नाम की कोई चीज़ होने वाली नहीं है, लगा के कुछ फायदा नहीं है, तो भी हम खरीदते हैं, उसका मार्केट बढ़ाते हैं टू टेक द सम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इट, बस यही चीज़ है, बट उसका वो एक्चुअली में क्या है, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग है, पता है तो भी खरीदना है। स्प्राइट क्लियर है, पता है नहीं होने वाला है क्लियर तो भी पीना है। पढ़ाई करो, बाल में जिंदगी झंड है तो भी पढ़ाई करो, है ना केवल सही ना, अरे कर ले बेटा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। समझे, ए चीते की चाल बास्की ने जो आशीष सर के कैलकुलेशन पर संदेह नहीं करते, जब बोल दिया कि 2.5 लाख तो 2.5 लाख, 3 लाख बोलते 3 लाख, क्यों क्यों तो 3,50,000 तू इधर जब प्लस कर चुकी है तो वापस कैसे करेंगे, चल का सब प्लस करके फिर 50,000। मेरा ये TY और MCOM वाले बोलते सर कैलकुलेटर से पहले तो आप ही प्लस कर देते हैं, तो मतलब तुमको तो बैठाया इसीलिए है ना, मैं चेक करूं कि मेरा सही की गलत है। टोटल प्रॉफिट आ गया, उसके बाद क्या निकलते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट माय डियर्स, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा 50,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद आपका गुडविल, क्वेश्चन में क्लियरली बोला था एडजस्टमेंट नंबर 2 में 2 गुना, 2 टाइम्स, हाँ तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 2 × 50, तो सर आपका गुडविल कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। सर ये गुडविल किसका है, गुडविल ऑफ द फर्म का है, हमें किसके गुड्डू में इंटरेस्ट है, केशव के, तो केशव का गुडविल निकालोगे तो केशव गुडविल कितना आ गया, 1,00,000। चेक कर बेटा केशव का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2/10, 0,0 कैंसिल, तो इट कम्स टू 20,000, तो केशव का गुडविल कितना हो गया सर, 20,000। समझा, हाँ है ना, कल भी ये किया था, ऐसा क्या वो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन करते हैं ना उसीलिए, ठीक है। हाँ अगर हम लोग को बनाने बोलता तो ये माइनस होता 20,000, ये मतलब अगर बैलेंस शीट में बोलता हाँ। बनाने चेक कर बेटा लाइव स्टॉक कितना है, 1,00,000। अब नई वैल्यू कितनी है बेटा, लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक ना, लूज टूल्स कितना है, 50,000।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पे लूज टूल्स 50 था, व्हेन वी आर टॉकिंग था मतलब बैलेंस शीट। अब नीचे नई वैल्यू कितनी दी है, तो 50 का 80 हो गया, 30,000 बढ़ गया, बढ़ गया। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बाय लूज टूल्स हाउ मच, लूज टूल्स मतलब छेनिया थोड़ी पाना, स्क्रू ड्राइवर, समझा। उसके बाद लाइव स्टॉक, पहले 1,00,000 था बैलेंस शीट में, 1,00,000 था, नई वैल्यू 1,20,000 है, 20,000 बढ़ गया बेटा। लाइव स्टॉक कितना हो गया, 20,000 बढ़ गया, कितने बढ़ गया, आरडीडी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10,000, चेक का डेटर कितना है, 10,000 आरडीडी प्लस या माइनस, माइनस, माइनस मतलब वैल्यू कम, कम हो गई मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट साइड। तो टू डेटर्स बोल या आरडीडी बोल चलेगा, 10,000 क्लियर है क्या? देखो एडजस्टमेंट नंबर 1, 4 और 5 में कोई दिक्कत है क्या? फिर गुडविल का कैलकुलेशन अपन वापस से डिस्कस करेंगे। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? लास्ट एडजस्टमेंट जरा रीड करो बेटा ध्यान से। कमीशन किसको देना है, क्यों देंगे, बोला इसलिए देंगे, नहीं बोला तो नहीं देंगे। कमीशन 2,000 पर मंथ वॉज पेबल टू केशव, अभी केशव को कितना देना है, 2,000 रुपया हर महीने का, 2,000 कितना महीना देंगे, 4 महीना देंगे। क्यों 4 महीना, क्योंकि वो 4 महीने ही जिंदा था। उसका डेट ऑफ डेथ क्या है बताओ, 31 जुलाई 2018। जुलाई मतलब पूरा महीना जिंदा रहने के बाद वो गया है ना, तो यानी अप्रैल मई जून और जुलाई, कोई दिक्कत है क्या, पक्का। आगे देखो और कुछ बोला क्या, देखो सब में फिर इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द 45,000 एंड द केशव शेयर इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज गिवन टू हिम, उसको उसका हिस्सा क्या किया गया है, पकड़ा दिया गया है। चलो स्टार्ट करें, चलो वापस से देखते हैं, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सिंपल सा सम है, खाली एज इट इज आपको सॉल्व करने का, ठीक है। पहला क्रेडिटर वाला पार्ट अपन ने कर दिया, सेकेंड वाले में गुडविल बोला था, गुडविल में क्या बोला था सर, 2 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 से टोटल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकाला, गुडविल निकाल दिया। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता था लूज टूल्स लाइव स्टॉक के बारे में, और एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोलता था, आरडीडी के बारे में, हो चुका। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आ जाओ, किसके बारे में बात कर रहा है वो, कमीशन के बारे में, किसके बारे में, कमीशन के बारे में। कमीशन कितना दे रहे सर उसको, तो कमीशन 2,000 रुपया दे रहे ना, कमीशन 2,000 रुपीज पर मंथ, 4 महीना जिंदा तो कितना हो गया, 8,000। किसको मिलेगा कमीशन, केशव को, क्लियर है क्या, ओके। और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इज इक्वल टू, चेक कर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिया है, मल्टीप्लाइड बाय शेयर, भाई साहब का शेयर क्या है, कितना महीना जिंदा थे, बड़े अच्छे थे, जिंदा थे तब तो बहुत अच्छे, मरने के बाद ये बोलते हैं। 0,0 कैंसिल, 4 1 4 3 12 3 15 तो यहाँ पे 2,0 बचा है, तो 2,0 लगाते 15 2 यानी भाई साहब पीएनएल सस्पेंस कितना आ गया, पक्का। अब आ जाओ केशव के पास, कैपिटल बैलेंस शीट चेक कर, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व भी दिया है, 25,000 पूरा है ना, उसको 2/10 देंगे, बोले तो 5,000, क्लियर। बैलेंस शीट से उसको दो चीजें मिलेगी, एक तो कैपिटल, दूसरा जनरल रिजर्व।
उसके बाद आ जाओ लास्ट में आ जाओ गुडविल, तो बाय गुडविल हाउ मच 20,000 निकाला हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमीशन, कमीशन 8,000 रुपए डायरेक्टली दिया गया है, और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3,000 और कुछ लिख दिया। अब क्या करना है सर, टोटल 50,000 इधर कितना आएगा 50,000 उसमें से 20 गया तो बचा कितना 30, ये 30,000 किसको मिलेगा सर, तीनों को प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीन पार्टनर कौन कौन है बेटा, राम माधव और केशव, डिवाइडेड बाय 10 किया तो 30,000 है ना, तो 15,000 पहले का आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9,000, 3,000, 6,000 हमें किससे मतलब है, केशव, ये डेबिट में तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 6,000 और कुछ बोला, टेक द टोटल 55, 75, 83, 86, 90, 92 इधर भी बैलेंस ही गया 92, कुछ भी बोला नहीं है, तो यहाँ पर आएगा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। डिफिकल्टी है क्या, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, एकदम सिंपल सम, हाँ है ना, कैसे करना है सम समझ में आया, क्वेश्चन में सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना था, केशव के ऊपर, बट रिवैल्यूएशन कैसे आएगा, खाली हमको ओल्ड वैल्यू और नई वैल्यू को क्या करना था सर, कंपेयर करना था। अगर आपको कंपैरिजन आ गया तो आपके लिए इजीली हो जाएगा, जिसमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है, ठीक है, डिफिकल्टी है। इसके ऐसा सेम एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको सॉल्व एग्जांपल में से, जरा जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, पेज नंबर 196, मिला क्या, ओके 196, जरा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 196 होमवर्क प्रॉब्लम, जरा पे अटेंशन, ध्यान दो जरा, सोनू, मेनका, कैटरीना, करीना है, अरे करीना में ध्यान है, वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 वॉज एज फॉलोज, कैपिटल अकाउंट सोनू, मेनका एंड करीना, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, एसेट में प्लांटर मशीनरी, स्टॉक, डेटा, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर, इन्वेस्टमेंट और कैश। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट, करीना डाइड, करीना मर गई, कभी मर गए बेटा, कितने महीने के बाद, सर चेक कर कितने महीने बाद, 6 महीने बाद, पक्का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को गई तो एक दिन काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ 6 मंथ्स, ठीक है, यानी यहाँ पर आपका डेट ऑफ डेथ क्या दिया, 1 अक्टूबर 2018, यानी 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा, जहां जहां पर जरूरत होगी वहां पर 6 मंथ्स का कैलकुलेशन आएगा। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000, ऑल डेटाज आर गुड, प्लांट एंड मशीनरी की नई वैल्यू दिया है, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन या कंपेयर करके बताओ,
पहले 50 था, अभी कितना हो गया 60, 10,000 वैल्यू बढ़ गया। प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। ऑल डेटर्स वेर गुड, मतलब आरडीटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब डेटर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ गई तो प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। स्टॉक गुड्स रिड्यूस बाय 3,000, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या हो गया रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम, कम हो गया मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट। द ड्रॉइंग ऑफ द करीना अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 400 पर मंथ। भाई साहब ऐसा कहा गया है कि मैडम ने क्या किया है सर, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मतलब पर्सनली उसके लिए वो पैसे निकाल रही थी, कितना 400 रुपया प्रति महीना, 6 महीना जिंदा थी तो 2,400 रुपये माना जाएगा, कहाँ पर आएगा डेबिट साइड। टू ड्रॉइंग्स क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, चेक कर मैडम का कैपिटल कितना है, 20,000, कितना परसेंट, कितना महीना, 6 महीना, 0,000 कैंसल, 6,1 + 6,2 जा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, कौन से साइड में, क्रेडिट साइड, कैपिटल कम्स ऑन क्रेडिट साइड। आगे बोलो, द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। कितने साल का परचेज बोला सर, 2 साल। गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद जो भी गुडविल आएगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट, उसका कितना टाइम, 2 टाइम, क्या निकालने का, गुडविल निकाल लोगे, आता है ना निकालना, वेरी गुड। द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ द अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो देखो गुडविल में तुम लोग तो निकालोगे ना एवरेज प्रॉफिट, देखो उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आएगा, मैं कर देता हूँ टोटल प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट कितना होता है बता जरा, 15 + 17 = 32, एवरेज प्रॉफिट 45,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका 15,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट आ गया। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट गुडविल, तो 2 times of 15,000 इट कम्स टू 30,000। हम किसकी बात करें बेटा, करीना के गुडविल की, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो इसका मतलब करीना का गुडविल कितना हो गया, 6,000। दिक्कत है। अब क्वेश्चन में बोला है नीचे लाइन में द डिक्रीज पार्टनर शेयर, डिक्रीज मतलब मरा हुआ पार्टनर जो मर जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब मैंने कुछ आपको सेंटेंस बताया था, इट्स टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब इसमें अपने को प्रॉफिट चाहिए, अब वो क्या बोलता है वाले, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज, तो पहले चेक कर पिछले 2 साल का प्रॉफिट क्या है, 17, 18 और 16, 17 का, 15, 16, 16, 17, 17, 18, तो 17, 18 का 13,000 और 16, 17 का 17,000, तो 13,000 + 17,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू शेयर क्या है उसका, 1/5, कितना महीना जिंदा दी हो, 6 महीना, तो 13 + 17, 30,000, 30,000 का आधा कितना होता है, 15,000 इंटू 1/5, 6/12, 5, 3 = 15, तो 3,000 आ गया, 6, 1 + 6, तो 3,000 का आधा कितना हो गया, 1,500, तो P&L सस्पेंस में कितना आएगा, 1,500। क्लियर है, ये सब करने के बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे, लास्ट में क्या निकालने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन, और क्या करने बोला है, करीना कैपिटल अकाउंट शोइंग ऑल द बैलेंस पेबल टू द एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। करीना का अकाउंट जो भी क्लोज करने के बाद क्या मिलेगा उसका, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट मिलेगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है, सिंपल कर लोगे ऐसे तो।